बना रहे हैं टमाटर सेव की सब्जी। कढ़ाई रख दिया मैंने, घी चढ़ा दिया है इसके अंदर, घी गरम हो जाएगा इसका। हाँ, हम वेट करते हैं तेल का। तेल गरम हो चुका है, इसमें अब हम कुछ सरसों के दाने डाल लेंगे। राई चटक गई है, थोड़े से जीरा डाल दिया, दो लाल मिर्च तोड़ के हमने डाल दिया इसके अंदर। गैस को सिम टू मीडियम रखेंगे। इस स्टेज के ऊपर अभी हम हींग डाल देंगे, 1/4 टेबल स्पून जितना मैंने हींग डाल दिया है। थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ मैं, प्याज ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालिए, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही प्याज डाला है। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर में इस सब्जी को बहुत बनाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है, वो लोग प्याज नहीं डालते हैं। मैं आपको प्याज डाल के दिखा रही हूँ, आपको अगर स्किप करना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। प्याज चलाते हुए इसको भून लेंगे। थोड़े से प्याज भून गए, इस स्टेज पे थोड़ा सा लहसुन, हाफ टेबल स्पून ही अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट जो फ्रेशली बनाती हूँ मैं, फ्रेश ही डाला है मैंने ये। इसको भी हिला लेंगे अच्छे से, चलाते हुए भून लेते हैं एक मिनट के लिए। बस थोड़ी सी कस्तूरी मेथी क्रश कर दिया हाथ से, ये मोटा मोटा हटा लिया इसका, इसको भी हिला देंगे अच्छे से, भून लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली टमाटर सेव की सब्जी होती है। आधा चम्मच मैंने सूखा धनिया डाला है, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। बहुत सिंपल इन्ग्रीडियंट से बनने वाली ये सब्जी है। ये देखिए मसाला भून चुका है, अब इसमें थोड़ा सा टमाटर इस तरीके से पीस के डाल दिया, इसको भी अच्छे से हिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक से थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि सेव में भी नमक होगा, इसलिए थोड़ा सा नमक हमने देख के ही डालना है कि कम ना हो और ज़्यादा भी नहीं हो, ज़्यादा होगा तो सब्जी का टेस्ट ही खराब हो जाएगा। गर्म पानी डाल देंगे, मसाला नहीं जले, थोड़ा वार्म वाटर डालिएगा और इसको हिला देते हैं। अब इस स्टेज पे इसके अंदर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट है वो मैं डाल रही हूँ, इसको भी हिला देंगे। घी छोड़ जाएगा, अब ये साइड से छोड़ने लग गया, जब गर्म पानी डालते हैं तो बॉयल जल्दी आ जाता है और जल्दी प्यूरी रेडी होती है, ग्रेवी जल्दी रेडी हो जाती है। ये देखिए तेल बहुत जल्दी छोड़ दिया इसने, तेल छोड़ दिया है इसने। अब इसके अंदर दो टमाटर इस तरीके से बड़े बड़े चॉप करके डाल दूंगी, इसका अलग ही टेस्ट आएगा। इसको भी हिला लेते हैं, ये देखिए, और इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। ये देखिए तेल निकल चुका है, बिल्कुल सब्जी ने तेल छोड़ दिया। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा पनीर इस तरह से क्रश करते हुए हाथ से या घिया घस करके ऐसे भी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालिए, ये थोड़ा सा रिच टेस्ट आ जाएगा सब्जी के अंदर। आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए तेल छोड़ दिया है, टमाटर भी गल गए हैं। इस स्टेज पे अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, वार्म वाटर डालेंगे, थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। ये देखिए वार्म वाटर डाला था, बॉयल भी साथ के साथ ही आ रहा है, इसको थोड़ा सा तेज करके अच्छे से उबाल लेंगे हम। बॉयल आ चुका है, इस स्टेज पे ये मोटे वाले थोड़े से, आप मोटे पतले जैसे भी आपके पास नमकीन हो सबसे बना सकते हैं, ये थोड़े से मैं अभी डाल रही हूँ। ये सर्व करते वैसे ही होता है कि जब आप सर्व कर रहे हैं तब आप डालिए, मैंने थोड़े से पहले डाल दिए, थोड़े से मैं सर्व करते टाइम डालूंगी इसको। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने आधा बाउल जितने अभी डाले हैं और फिर बाकी मैं सर्व करते टाइम डालूंगी। ये देखिए इसमें आप धनिया से गार्निश कर लेते हैं। सब्जी रेडी हो गई है, ये देखिए सेब भी फूल गए हैं, सब्जी रेडी हो चुकी है, इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। सेव टमाटर की सब्जी रेडी है, जितनी देखने में अच्छी लग रही है खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। इस रेसिपी से आप एक बार जरूर ट्राई करेगा, इसको पराठे के साथ, फुलके के साथ, नान के साथ, मिस्सी रोटी के साथ, चावल के पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप खाएं, बहुत खाने में टेस्टी है और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से बनी है। और ये घर में सारी चीजें अवेलेबल होती है हमारी, जब हमारे पास कुछ बनाने के लिए नहीं है तो हम इस सब्जी को बहुत इजीली और बहुत जल्दी बना सकते हैं। इस रेसिपी से एक बार जरूर आप बना के ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी बनी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।